हेलो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, और आज मैं एक नई वीडियो में हाजिर हुआ हूँ। लेकिन आज मैं बना रहा हूँ एक रिव्यू गैलेक्सी ग्रैंड प्राइम प्लस, जो कि एक बहुत ही सस्ता मोबाइल है और आपको अवेलेबल होगा ओनली इन जस्ट 14,000 रुपीज़। जी आज इसका अनबॉक्सिंग और रिव्यू करने जा रहे हैं हम लोग। ऑफिशियल सैमसंग का ये फिलवाइज फ़ोन है, यहाँ से मैंने इसका पैकेट खोला है। बस डिवाइस को यहाँ से हम लोग निकालेंगे, आप पढ़ भी सकते हैं गैलेक्सी ग्रैंड प्राइम प्लस X4 क्वाड कोर प्रोसेसर, फ्रंट फ्लैश LED, पावर सेविंग मोड एंड बहुत सारे इसके फीचर्स हैं। और ये तो अफोर्डेबल बड़ा है फ़ोन, अगर आप कह लो गैलेक्सी J7 के ये पास पास आ जाता है अगर गौर करोगे। जी हाँ, ये बिल्कुल ब्रांड न्यू फ़ोन है जो कि जस्ट 14,000 रुपीज़ अवेलेबल है। मुझे तो खैर ये एज ए गिफ्ट मिला है, सो दैट्स आई एम जस्ट टेलिंग यू। इसका मैं रिव्यू बना रहा हूँ, मुझे ये ग्रीन टेक की जानिब से मिला है एज अ गिफ्ट, जो कि इनके ऑफिशियल वारंटी पार्टनर है। इसकी 1 ईयर की वारंटी भी है जिसको इंडस कॉरपोरेशन से अवेलेबल है, जस्ट 10 रुपीज़ 14,000 सैमसंग गैलेक्सी ग्रैंड प्राइम प्लस। अभी मैं इसको दिखाऊँगा अभी आप लोगों को। ये इस वक्त मेरे सामने जो है ये गोल्डन कलर में अवेलेबल है, इसको मैं यहाँ से बाहर निकालूंगा डब्बे से। हाँ, अगर आप इसको इंडस कॉरपोरेशन से परचेज़ करेंगे तो अपनी मर्ज़ी का एक कलर का आप वो भी ले सकते हैं इसका कवर, प्रोटेक्टर भी इसका फ्री आता है। तो ब्रांड न्यू फोन इसी तरह से आता है सैमसंग गैलेक्सी ग्रैंड प्राइम प्लस। नाउ वी विल ओपन इट। Here is the phone, उसको मैं रिजल्ट देखने वाला हूँ। Here we got our phone. Now we will open it. This is the side button. लेकिन सबसे पहले बेटर रहता है कि अगर आप लोग अपने फ़ोन के आगे ये जो प्रोटेक्टर चढ़ा हुआ है इस पर फ्रंट जो कि होता है इसको चिड़वा लेंगे तो अच्छा रहेगा। ये ग्लास प्रोटेक्टर चिड़वाएंगे तो ये ज़्यादा सेफर रहेगा अपने फ़ोन के, अगर फ़ोन को गिरा भी देंगे तो जो क्रैक आएंगे वो उतर जाएगा क्रैक। और ये जो कवर होता है ये अपनी मर्ज़ी से कलर का ले सकते हैं, इसके ऊपर चिड़वा सकते हैं। ये इन जस्ट रुपीज 200 अवेलेबल है कवर, और मोबाइल 14,000 का। मोबाइल तो वैसे बहुत अच्छा है अगर देखा जाए तो, अच्छा ही होने वाली है। कैमरे की क्वालिटी भी एक्सेप्शन है इसकी, बड़ी जबरदस्त। ऑटो फोकस कैमरा, देख सकते हैं कितना जबरदस्त इसका कैमरा है। ना इसके और फीचर्स की तरफ चलते हैं, हाँ इसकी सेटिंग्स पे चलते हैं। एवरी थिंग जो कि NS में न्यू है ऑलमोस्ट, इसकी ब्राइटनेस को आप लोग बढ़ा सकते हैं। दे आर सर्टेन मोर ऑप्शंस, ब्राइटनेस बहुत ज़्यादा भी हो सकती है। अच्छा, इसमें जो एक नया फीचर आया है जो मैं आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ, ये है कि इसके टॉर्च पे अगर आप, जो नॉर्मल सैमसंग फ़ोन में अवेलेबल नहीं है, एक इस तरह का फीचर है। उसके मैं ऐसे टॉर्च को ऑन करता हूँ, यहाँ से आप टॉर्च की ब्राइटनेस को बढ़ा सकते हैं और कम कर सकते हैं, यू हैव दैट ऑप्शन। ये इसका बड़ा एक ब्रिलियंट फीचर है जो कि पिछले सैमसंग के फोन में नहीं था, लेकिन जो नए फोन आ रहे हैं उनमें ये वाला फीचर अवेलेबल है। प्रोडक्शन और गैलरी और इसकी इंटरनल मेमोरी बहुत ज़्यादा है। माइक्रोसॉफ्ट की इसमें एप्स ऑलरेडी प्री इंस्टॉल्ड हैं, गूगल अवेलेबल है उसकी एप्स,
सैमसंग के अपनी एप्स अवेलेबल हैं. एवरीथिंग ग्रेटली एट एक्सप्रेशनल्स पर इसके अवेलेबल है. व्हाट्सएप वगैरह इसका बड़ा ज़बरदस्त चल सकता है इसमें. अगर वगैरह क्वालिटी लाइफ स्टूडेंट चाहते हैं देन इट्स वेरी गुड फोन फॉर यू गाइस, क्योंकि इसमें एक्सेप्शनल है कि हर चीज़ में इसकी कोई एक स्पेशल क्वालिटी आती है. मतलब हर कोई फीचर बड़ा ज़बरदस्त होता है. यू कैन सी इन द डिवाइस कितने ज़बरदस्त फीचर्स और स्मार्ट टच कैपेबिलिटी उस सैमसंग हमेशा से अपनी एक्सेप्शनल लाया. द बेस्ट वे टू यूज़ है ऑर्डर प्लेस करने के लिए आपके लिए लिंक इन डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा फेसबुक पेज का, वहाँ से आप लोग इसको बाय कर सकते हैं. प्ले स्टोर इंटरनेट कनेक्शन चर्न ऑन दें. देर इज़ एस बाइक मोड जो कि सिर्फ न्यूज में आ रहा है डिवाइसेस में सैमसंग की, दैट एस बाइक मोड. अगर ये क्लियरली विजिबल हो आप लोगों को तो आई कैन ड्रैग इट. प्लस वाईफाई के अलावा इसके बॉक्स पैक में एसेसरीज बहुत सारी आती हैं. इसमें आपके पास इंक्लूडेड है 1x चार्जर एंड 1x ईयरफोन्स अवेलेबल हैं. ये दो चीज़ें आपके बॉक्स पैक में साथ आती हैं. तो ओवरऑल तो मैं कहूँगा ये बहुत ज़बरदस्त मोबाइल है और एक तरह से अफोर्डेबिलिटी की वजह से मैं इसको ज़्यादा कंसिडर करता हूँ कि आप इसको बाय करेंगे तो ये एक अच्छी चीज़ आप लोगों को अफोर्डेबिलिटी में मिल जाएगी. लाइक इतनी अच्छी डिवाइस सिर्फ 14,000 में तो मुश्किल है. J7 मोबाइल ये उसके एडजेसेंट ही एक तरह से. हाँ जी बिल्कुल, उसके एडजेसेंट ही एक तरह से. इसको परचेज करना अब बहुत आसान है काम बनने के लिए. तो ये उसकी रेंज में है.